लीजिए, आंखें बन गई। आगे बढ़े जी। ले अखा रख ले गिरवी दीवाने है ये उनके बाल, चुरा के उनके बाल ऐसे कि बांध दे तो घटा छा जाए, तुझे दे और खोल दे करेंगी ये क्या तो बाहर आ जाए। वानगी है क्यों मेरा दिल शोर पाए, ये क्या मुझको दिल छोड़ आए। मैं देखूं राह तेरी तू आके भी ना आए, मुझे तू क्यों सताए, क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ आए। वाह, गोरा चिट्टा रंग है, लाल सुर्ख चेहरा, पता है ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन में किसी ने सिंदूर ही घोल दिया हो। सच में बहू बहुत सुंदर है तुम्हारी। हमारे वीर की पसंद है, अच्छी होगी। वीर बेटा है हमारा, उसकी खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है। किसी की नजर ना लगे। बहुरानी से उनके भाई मिलने आए। हाँ, बिठाइए उनको। भाई जी, क्या मैं अपने वीर जी से मिल सकती हूँ? अरे हाँ बेटा, आपके भाई हमारे मेहमान हैं, आप उन्हें अंदर ले जाकर कमरे में आराम से बैठकर बातें करना। हाँ शुक्रिया। आधा चेहरा तो हो गया आपकी मोनालिसा का, ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द पूरे दर्शन मिल जाएंगे आपको। वाह कमाल है वीर बाबा। अरे संतु बाबा, आप बहुत सही वक्त पे आए हैं। आप हमारी दारू खत्म हो गई है, जरा भर के लाएंगे आप? आपसे मिलने बहुरानी के भाई आए, दूसरे वाला वो क्यों है? आर्टिस्ट का मूड खराब हो गया, बुरा ना माने तो बाकी काम कल पूरा करते। लेकिन जनाब, अमृत भेजिए। और कैसा है तू? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ।
है अमरू, अमरू मेरे पीछे से ऐसा कुछ हो गया, मुझे किसी ने बताया तक नहीं अमरू। खैर कोई बात नहीं, तू मेरा शेर पुत्र है ना, वो तेरा वीर आ गया, अब हम दोनों ने मिलकर सब कुछ संभाल लेना है, सब हाँ। कुछ ठीक हो जाएगा। ओए तो चल, ओए अमरू, अमरू सोचने की कोई जरूरत नहीं हमें, अब मेरे को मालूम है अभी तेरा ब्याह नहीं हुआ, तेरी शादी नहीं हुई, तू चल मेरे साथ। मैं जानता हूँ तू तू रणधीर का इंतजार कर रही है ना, इस इंतजार में मैं तेरे साथ हूँ। बीजी, मैंने वादा कर दिया है, मैं सुबह देख चुकी हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। पर क्यों किया तूने ऐसा? अमरू मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि ऐसा करना जरूरी था वीर जी, मैं हमारे परिवार में रहकर सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच सकती, यही तो सीखा है ना हमने बाबूजी से, कि खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचो। अमरू मैं तेरे दो लगाऊंगा, वो दायाजी घर के बड़े थे और तू उसी घर की सबसे छोटी थी, और तूने किसी का ठेका नहीं ले रखा पूरी जिंदगी कुर्बानियां देने का। ओए, वो क्या कर लेगा तेरा वीर, क्या कर लेगा तेरा वीर, क्या बिगाड़ लेगा हमारा, और वैसे भी हम कौन से आबाद लोग हैं जो हमारा कुछ बिगाड़ लेगा वो, तो चल मेरे साथ। अमरू, अमरू ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि तू किसी और की हो, वो ऊपर वाला भी नहीं चाहता, इसलिए तो तेरे फेरे तक नहीं हुए, तू चल ना मेरे साथ अमरू। हाँ वीर जी, ये सच है कि फेरे नहीं हुए, पर मेरा वादा उससे भी बड़ा सच है, मैंने वादा किया कि मैं इस रिश्ते से नहीं भागूंगी। अमरू सुन, सुन मैं बात करूंगा, मुझे बात करने देना, तू मैं रानी माँ से बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा कि ये कोई सही तरीका थोड़ी होता है। चल आजा। नहीं 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 वीर जी, आप ऐसा कुछ। अमरू, अमरू चल चल आजा, खोलो दरवाजा। किससे पूछ के आए हो तुम यहाँ, क्या चाहिए? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रानी माँ से बात करूंगा। कहाँ है? क्या बात करनी है रानी माँ से, बोलो। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, धमकी दे रहे हो हमें, चापलूसी करके पैसे इटना चाहते हो ना तुम, आखिरी बार कह रहे हैं हम तुमसे, ना ही तुम रानी माँ से मिलोगे और ना ही उन्हें कुछ बताओगे। उदय किशोर सानी क्या करेगा? ये उदय किशोर सानी खुद तय करता है, समझे? चल हट। अरे तुम्हारी बहन भागी थी, उसकी गलती की सजा हमें देना चाहते हो तुम? नहीं, फिर से आप गलत समझ रहे हो, उन्हें पता ही नहीं है कि नहीं वो। सच बात तो ये है कि मेरे परिवार को बेवकूफ बनाकर, मेरे परिवार को गुमराह करके मेरी बहन का सौदा किया तुमने। तुम्हारी बहन ने क्या किया है? हमें छोड़ के भाग गई। देखिए आप, चुप हो जाइए अगर किसी ने सुन लिया। बीच में मत बोलो। ओए, मेरी बहन से कैसे बात कर रहा है तू? खरीदा है हमने उसे, जैसे चाहे वैसे बात करेंगे हम। देखिए आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, अगर किसी ने सुन लिया तो आप ही के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कैसे हुई हमें गले लगाने की? ये
मेरे घर आए मेरा हाथ मांगने, ये मेरे वीर जी और मेरे घर वालों के लिए बहुत इज्जत की बात है। पर मैं यहाँ आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे ये शादी नहीं कर सकती। हमें सच में नहीं पता कि अमृत कहाँ है। अगर हमें पता होता कि वो ऐसा कुछ करने वाली है तो हम खुद आपको बता देते। की बात सही है कि मैंने राजघराने में जन्म नहीं लिया है, पर मेरे माँ बाबू जी ने कभी मुझे किसी राजकुमारी से कम नहीं समझा। रेफ्यूजी हैं हम, बंटवारे ने सब कुछ छीन लिया है हमारा, पर मेरे माँ बाबू जी ने जो मर्यादा और संस्कारों की दौलत मुझे दी है वो अब भी मेरे पास है। मैं यहाँ इस घर में इस घर की बहू बनकर आई हूँ, इस घर की इज्जत अब मेरी इज्जत है और मैं उस पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ वीर जी, आप मेरी चिंता ना करो और यहाँ से चले जाइए। ये मेरा घर है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ बेशक हम रेफ्यूजी हैं, हम हमारी रगों में उस खानदान का खून लेकर चलते हैं जिन्होंने आज तक किसी का भी वादा तोड़ने का जुर्म नहीं किया। किसी का घर छीना गया तो किसी का शादी का सपना टूट गया, पर किस्मत खराब हो जाने से लोग बुरे नहीं हो जाते। नहीं वीर जी, आपको अपनी छोटी बहन की कसम है, आप चले जाइए यहाँ से। चल ठीक है, लेकिन तू अपना ख्याल रखा। रानी माँ, किसी भी तरह की बदसलूकी या बदतमीजी के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। अगर अमृत को किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की तकलीफ हुई ना वीर साहब, तो एक बात याद रखना कि अमृत का एक भाई है जिसकी जान बसती है उसकी बहन में। ये सब तो चलता ही रहता है, जीजे और साले में नोकझोंक तो होती रहती है ना। ना मसला है, संभाल लेंगे। चलिए सब लोग चलिए। ही तो अंगड़ाई ली है, कोई बहुत लड़ाई बाकी है, बहुत मजा आएगा। आप भी चलिए आराम कीजिए। पूरा तमाशा तो देखना ही रह गया। जो नाटक का दूसरा हिस्सा था ना, ये देखकर लगता है कि पहला जो हिस्सा था वो कितना रोमांचक होगा, है ना। अब इस घर के कुंवर साहब छोटे मोटे लोगों के साथ झगड़ा करते फिर अच्छा नहीं लगता। अब यही इज्जत बची है अपनी रानी माँ की और उसके लाडले बेटे की। उसकी इज्जत जितनी भी है ना, इस घर के कई लोगों से बहुत ज्यादा है। बाहर वालों से लड़ना बहुत आसान होता है मोहन जी, मुश्किल होता है अपनों से और अपने आप से लड़ना। वो बेचारा बचपन से अकेला करता चला आ रहा है, काश उसके अपनों ने उसकी टांग खींचने के बजाय, उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश तो की होती। लंगड़े घोड़े की टांग खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही रेस में अपने आप हार जाता है। चलें
क्या बात है वीर, ये सब क्या था? इतना गुस्सा क्यों? कोई हमें धोखा दे या हमारी आंखों में धूल झोंके, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नमस्ते साहब। जी नमस्ते साहब। वो मैनेजर साहब कह रहे थे कि आपने अखबार के लिए इस बार भी जो लेख भेजा था उसका पैसा सराय के पते पे आ गया है। जी साहब, अब आप जल्दी से ये बता दीजिए कि आप खाने में क्या लेंगे, क्योंकि तंदूर कुछ देर में बुझने वाला है और रसोई भी बंद होने वाली है। जी शुक्रिया, लेकिन अभी भूख नहीं है। साहब अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछे। वो मिली आपको या आज का दिन भी यूं ही बेकार चला गया? जनाब आज भी बस उम्मीद दिलासा देके बगल से गुजर गई, लेकिन आज एक काफी भले इंसान से मुलाकात हुई है जिसने बड़ी शिद्दत से उसकी तस्वीर बनाना शुरू तो कर दी है। तस्वीर पूरे होते ही मैं उसे अखबार में छपवा दूंगा, तो इससे आसार काफी बढ़ जाएंगे उसके मिलने के। अच्छा साहब ये बताइए, जब आप उनसे मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उनके पैरों में गिर के उनसे माफी मांगूंगा उस दिन उनको बॉर्डर पे अकेला छोड़ने के लिए, इतने साल उनको इंतजार कराने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए। बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो कसम अपने प्यार की फिर कभी आंखों से दूर नहीं जाने दूंगा मैं उन्हें, उनकी परछाई बन जाऊंगा और हमेशा उनके साथ रहूंगा। बस एक बार मेरी मासूम अमृत मुझे मिल जाए। चुन लीजिए इसमें से कोई भी बंदूक और मार दीजिए गोली। कल से बेवकूफ बना रहे हो तुम हमारा। एक ही शर्त रखी थी हमने कि कभी भी छोड़कर मत भागना, और तुमने वही किया। वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। अगर वादा तोड़कर भागी होती तो वादा निभाने के लिए वापस कभी नहीं आती। क्योंकि वो तुम्हारी मजबूरी थी। जिस आशिक के साथ तुम भागने की कोशिश कर रही थी उसने तुम्हें धोखा दिया, वहां से गुंडों ने पकड़ लिया और कोटे पर भेज दिया, और वहां तुमने मुझे देखा। सोचा किस्मत फिर से दरवाजा खटखटा रही है तो इस बार मौका नहीं छोड़ना है। सोचा एक बाजारू औरत बनने से अच्छा है कि महल में रहा जाए शान और शौकत के साथ, है ना? अरे मन तो करता है कि तुम्हारी जान अभी की अभी ले लूं, पर क्या करूं, अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस गया हूं। शादी हुई हो या नहीं, फिर हुए हो या नहीं, दुनिया के लिए और मेरे परिवार के लिए तुम मेरी पत्नी हो। और अपनी पत्नी की जान लेना ये हम नहीं कर सकते। अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो वादा करते कि तुम्हारी जान ले लेंगे। बार बार एक ही धमकी देकर डराते रहेंगे तो मन से आपका डर ही निकल जाएगा। वीर साहब आपके वादे का तो पता नहीं, पर मैं लाला जी की बेटी हूँ और लाला जी की बेटी अपने वादे नहीं तोड़ती। मैं यहाँ आपकी बंदूक के डर की वजह से नहीं, अपने वादे की वजह से रुकी हूँ। शादी हुई हो या नहीं, फेरे हुए हो या नहीं, पर
आपके घर वालों के सामने मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं पत्नी बनकर ही रहूंगी। अगर आप शक करेंगे तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.